हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के पिपरौन गांव में चैती दुर्गा पूजा को लेकर दूसरे 51 कन्याओं के द्वारा भय कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा पूजा स्थल से चलकर गांव के ब्रह्म स्थान को परिक्रमा करते हुए गाजे बाजे के साथ भारत नेपाल सीमा के राजघाट बॉर्डर पहुंची, जहां पवित्र जमुनी नदी से जल भरकर सभी कलश यात्री वापस पूजा स्थल पहुंची। वहीं आचार्य नमो नारायण झा के द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ सभी कलश को मंदिर परिसर में स्थापित कराया गया। इस दौरान जय माता दी की जयकारों से माहौल गुंजयमान होने लगा। 9 दिवसीय पूजा को लेकर पूरे पंचायत का वातावरण भक्ति में बना हुआ है। पंचायत के मुखिया कामनी देवी बिल्टू प्रसाद महतो व पूजा समिति के अध्यक्ष पलट महतो, उपाध्यक्ष सूर्यदेव महतो, कोषाध्यक्ष राम सागर महतो, पंचदेव महतो, प्रमोद गुप्ता, मुकेश मंडल, संतोष कुमार प्रमोद महतो, पंचायत के दीपक महतो, मुकेश कुमार मंडल, संतोष कुमार, अशेश्वर महतो सहित अन्य लोगों ने बताया कि मां भगवती की पूजा विगत 18 वर्षों से होती आ रही है। पूरे ग्रामीणों के सहयोग से 9 दिवसीय पूजा को विधिवत संपन्न कराया जाता है। मौके पर सैकड़ों भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। ना